यस हेलो गाइज, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली CET के बारे में, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, कि ये लागू होगा या नहीं होगा। तो मैं शुरुआत में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि CET लागू होगा, कब से लागू होगा, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम करेंगे। बट गाइज, अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। CET से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो CET की अगर हम बात करें तो करीबन 11 महीने पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि CET का जो फर्स्ट फेज़ है वो SSC, रेलवे और बैंकिंग एग्ज़ाम्स को लेकर होने वाला है। ठीक है, अब क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, आप साल में कितने बार CET दे सकते हैं, स्कोर कार्ड कैसे वर्क करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि CET एक साल में आप कितनी बार दे सकते हैं। तो गाइस, CET आप एक साल में दो बार दे सकते हैं, हर 6 महीने में CET होगा। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम CET दिया और आपका स्कोर है 55, लेकिन अगर आपने सेकेंड टाइम CET दिया और आपका स्कोर आ गया 48, तो जो आपका मैक्सिमम स्कोर है वो वहाँ पे माना जाएगा और ये आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। दूसरी बात मैं बात करूँगा यहाँ पे कि CET कितने लैंग्वेजेस में होने वाला है। तो गाइस, CET 12 भाषाओं में होने वाला है, 12 लैंग्वेज में होने वाला है। और जब आप CET का फॉर्म भरेंगे गाइस, तो आपको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ कर सकते हैं। जिस भी सेंटर पे आप कंफर्टेबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इसकी सिलेबस की बात करूँ तो वैसे तो इसका ऑफिशियली कोई भी सिलेबस अभी तक नहीं आया है, बट आप ये मान के चलिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, ये तो रहेंगे ही। अब हम बात करें कि सेंटर की वैकेंसीज़ को छोड़ के क्या बाकी वैकेंसीज में CET लगेगा। देखो, CET लगने वाला है बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड वैकेंसीज में। CET ए ग्रेड की वैकेंसीज में नहीं लगने वाला है, लाइक सिविल सर्विसेज वाली वैकेंसी में CET एलिजिबल नहीं है। तो गाइज, CET किस किस एग्ज़ाम में एलिजिबल है मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम आपको बताया कि SSC, बैंक, रेलवे, इन एग्ज़ाम्स में CET एलिजिबल है। इसका अगर आपने फर्स्ट टाइम CET दिया तो किसी का भी प्री देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट आप मेंस में जाएंगे। गाइज, CET क्यों लागू हुआ, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। गाइज, हम अलग अलग एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं, है ना, सबकी फ़ीस अलग अलग होती है। अगर हम बैंकिंग एग्ज़ाम को उठाएं तो बैंकिंग एग्ज़ाम में 850, 700, 500, 1000, 1500 तक फ़ीस होती है। तो एक तो आपकी यहाँ से ये सेविंग हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जो एजेंसीज़ हैं उनको बार बार एग्ज़ाम नहीं कराना पड़ेगा, तो जो कॉस्ट है वो इसकी रिड्यूस होगी। और एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे ऑफर रहने वाला है गाइज़, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, अलग अलग आपका मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आप अलग अलग सेंटर पे जाते हैं, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गाइज, है ना। आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका एक स्कोर कार्ड बन गया और आप उसमें अगर एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्टली क्या देंगे, मेंस देंगे। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लगी कि साल में ये एग्ज़ाम दो बार होगा, ऐसा नहीं है कि 2 साल में या 3 साल में एक बार होगा, नहीं गाइज, सबसे बढ़िया चीज़ है कि हर 6 महीने में आपको मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइज़, ये पूरी इन्फॉर्मेशन CET के लिए है। एज में जिस तरीके से कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। बट स्टेट गवर्नमेंट में SSC, बैंक और रेलवे के बाद में ये क्या होने का, एलिजिबल होगा। तो मान के चलिए मार्च 2021 से ये लागू हो जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए गाइज, है ना। आपको 4 सब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिए हैं, मैथ, रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश, है ना, करंट अफेयर, साइंस, वो सब GK में आ गए, इंडिया GK, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना। तो उसकी प्रिपरेशन आप करते रहिए। और अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए CET के रिगार्डिंग,
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो वो भी इन्फॉर्मेशन के मैं आपको कमेंट डायरेक्टली कर दूंगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। और अगर अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, सीटी और अदर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।